मंकी बार से जो है वो बकरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? वेलकम बैक टू माय अनदर एंड अगेन ईद मुबारक। यार अभी बस सिर्फ 7 बजे और रात को तकरीबन 2-3 बजे सोया था और मुझे आइडिया था कि ना मतलब जो बात हो रही थी मुझे लगा शायद कोई 11-12 बजे हमारी कुर्बानी हो रही है, लेकिन अभी सिर्फ 7 बजे हैं और मुझे कॉल आती है जी कि जनाब उठें जल्दी हैं, कसाई फ्री हो गए हैं, आज सिबह करवाएगा के यार कमाल हो गई, मतलब इतनी स्पीड है। वो बस आखिरी मुलाकात करते हैं लोगों से वो इन कुर्बानी के जानवरों से। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी क्या बात है? पानी शानी भी पिलाते हैं। इससे भी मिलना लेकिन ये खतरनाक है, आराम से मिलते हैं। हाँ भाई नहीं इस वक्त इसको शायद खबर है कि क्या बात है। चलो बस इसका गाड़ियाँ शाड़ियाँ बाहर करते हैं, यहीं पे जुबान है उन्होंने बस में गल कौन कर रही हूँ बोले और देखते हैं क्या प्रोग्राम है। तो मैं जा रहा हूँ कसाईयों को लेने, इंशाल्लाह ये तो मतलब भाई काम काफ़ी जल्दी फ्री होने वाले हैं। इस हिसाब से तो जो पैगाम हमें मतलब जो बातें मुझे सुनने को आती थी सुनने में आ रहा था जी कि शाम के 5-6 तो बज ही जाएंगे फ्री होते, इनके 3 घर हैं, 4-4 बकरे, एक वेड़ा है, तो लग जाएगा टाइम। लेकिन ये तो मतलब यूं उन्होंने कहानी मुका दी है, लेकिन खैर गोश्त बनने में टाइम लगता है, ज़िबा तो उन्होंने फ़ौरन फ़ौरन करके कहानी मुका दी है। खैर पहुँचते हैं बाबा जी कसाईयों को तो ले लेंगे, पहुँच गए अंदर, फुल टोके छोके चल रहे हैं। कुर्बानी हो गई है इस बार, पिछली बार मैंने एक बकरे को अपने हाथ से छुरी फेरी थी, अल्लाह उसे भी कबूल कर फरमाए, इस बार 3 बकरों को मैंने छुरी फेरी है, अल्लाह उसको भी कबूल फरमाए। बस नीयत अच्छी थी, तो चेक करें ये अपना बच्चों का मंकी बार है, अभी आपको दिखाते हैं कि इसके साथ सबूत क्या होने वाला है, मंकी बार से ये क्या बनने वाला है। बकरा टांगने के लिए जो है वो हमने इसको इस्तेमाल करना है। और ये मंकी बार से जो है वो बकरा बार बन गया। ये इधर तो चेक करें माशाल्लाह से, गोश्त के साथ ये भी लेम में बह गए हैं। ये तुम लोग कहाँ लेटे हुए हो गोश्त के पास हैं? माशाल्लाह क्या बात है तुम लोगों की, हैं बहुत अच्छी बातें हैं। चलो उठो यहाँ से, ऊपर बैठो, चलो उठो। अच्छा जी तो बाकी मजीद कसाई भी वहाँ पहुँच गए हैं, गोश्त वगैरह बनना शुरू होने लगा है और भी
साढ़े नहीं बजे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि 12 टू 12:30 बजे तक फिनिश हो जाएगा, गोश्त हो जाएगा फिनिश। असली कहानी ये है कि बाकी टाइम क्या करना है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्या किया है? देखते हैं क्या बनता है, क्या प्लान है, क्या सिनेरियो है, लेट्स सी। बाबा जी ओए होए होए, ये बड़ा मुश्किल मराहल होते हैं गोश्त को बांधने का। ये हालत, हाथ की जरा हालत चेक करे, जरा चेक करे, जरा ठीक है। कट लग गए, कट पूरे पूरे हड्डियों के कट लगे हैं। होए होए होए, ऊपर से शिफ्टिंग जो है ना, ये कसाइयों ये बड़ी मुश्किल वाला मराहल होते हैं। ऊपर से इतनी तपती धूप के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर। तो जी मेरे साथ ना जो कल हुआ था ना, उससे शायद बुरा हाल होने वाला है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सड़ गई, नहीं रखी जा रही बाबा जी, नहीं रखी जा रही, नीचे नहीं रखी जा रही। बाबा जी रह गई, तौलिया लेके जाना पड़ा, इतनी तपती भी ना, मतलब मेरी तो सड़ गई बाबा जी, सड़ गई, जैनन सड़ गई। हाँ जी, हाँ नहीं मुझे नहीं दिखा जी, जैन मन सा जालम बाबा जी, जुलम किया मैंने अपने साथ। ये गाड़ी यहाँ पर पार करके ना उड़वा दी अपनी, ऊपर से ऐसी गर्म आवाज उठ रहा था एसी ऑन करने पे। जालम जी, तो कुर्बानी के बाद यार काम इतने होते हैं कि बंदा ना रेडी नहीं हो पाता। वैसे कुर्बानी के दिन बंदा क्या ही तैयार हो, सिरी पास चढ़ाने चले जाओ, गोश्त बांटने निकल जाओ, ये कर आओ, वो कर आओ, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, करते करते दिन वैसे भी हो जाता। बेशक आप जल्दी फ्री हो गए हो, लेकिन जिस दिन आपके घर कुर्बानी है ना, आप अपने घर से हिल नहीं सकते। अब समझ लें मैं कितने बजे फ्री हुआ था, डेढ़ तो बज गए थे तकरीबन, डेढ़ दो तो बज गए। उसके बाद खाना खाया, खाना खा के फ्री हुए, थकावट थी, मैंने कहा चलो आराम करके, आराम करके उठे हैं तो बस फिर छोटे मोटे होर काम घर के, फ्री पैसे सड़वाए, ये हो गया वो हो गया। और अब जो है तकरीबन 8 बज रहे हैं और अब मैं निकल रहा हूँ ग्राउंड पे गोश्त बांटने के लिए, जो रिश्तेदारों को कर दूंगा मैं। बड़ा लंबा रूट है, निकलते हैं, पॉइंट पॉइंट पे रुकने हैं, तो जिन जिन से मुलाकात होगी उनसे आपको भी मिलवाएंगे। निशानदे की तरफ भी पहुँचना है, मतीय रहमान की तरफ भी पहुँचना है, तो होती है मुलाकात निशान भाई से भी और मती भाई से भी। और बाकी देखते हैं मौसम भाई मिल पाते कि नहीं, उस दिन भी मौसम भाई नहीं मिल पाए तो ये लेते हैं लेट्स सी क्या। ओके जी, स्टे ट्यून्ड रहें। सही
बाकी जी निशान भाई समान रहा हो गया था, तो बस जो है निशान भाई को पकड़ेंगे। एसी भी ऑन कर दिया मत। शाम भैया आपको घंटा पहले मैंने फोन किया था, आप सो गए थे? मैंने कहा सो जाओ, फ्रेश हो जाओ। तू भी हो गए थे? तू भी फ्रेश होना चाहिए इंसान को, खुश खुश रहना चाहिए। क्या बात, दाड़नी चाहिए बाबू भाई ने? नहीं मेरे ख्याल से बाबू भाई बात करनी नहीं दे सकते। बाबू भाई उस दिन पैदा ही नहीं हुए जिस दिन वो स्कूल से बैठ सके। उस दिन पैदा नहीं हुआ जिस दिन सुकून से बैठ सके। और निशान भाई निशान भाई मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, मूवी देख लूं। मुझे पता था रिएक्शन देगी आगे से। छोटी या बड़ी? चलो बहने गारी बैठी। तो अब हम एक मिनट चुप। अच्छा खैर, तो अब हम देखते हैं लाल, पहले तो हमने पहुँचना मती भाई की तरफ, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या मुंह बनता है। ये भूल है, ये भूल है, हमने कहीं ना कहीं निकल जरूर जाना है। लो जी अभी ना एक मैं प्रैंक करने लगूँ जरा लड़के की, आपने जंपे चेक करनी है। निशान इधर आ, निशान इधर आ। ये पकड़ दो कैमरा, पकड़ प्रैंक बन गया। तुम्हें सुल्तान का ये रवैया बुरा नहीं लगता? अरे इन्हों तो आप सुनती हो ना, मैं तुमसे यार बस यार अब नहीं हो रही ये लाइट बंद कर दो। जंप पे जा करना अब। वो ठीक ही तो कहते हैं, गलत क्या कहते हैं? बाबू भाई। अच्छा जी, तो बाबा जी गोश गोश बांट बूंट के आखिरी मराहिल से भी गुजर के फिर हमने जो फैसला किया था कि यार चलो मूवी देखते हैं, तो निशान भाई आपको एक सरप्राइज दूं। जी जी, मैंने कोई और मूवी की टिकट ले ली है। ओहो भाई, आपको अमराओ यार। अच्छा जी, यार वहाँ पे खड़े खड़े ना काफी लोग कहते थे कि ना बालिग अफराद से बेहतर है कि अमराओ यार देख लो। यार देख लेते हैं, टाइम स्पेंड करना था हमने इकट्ठे। हमने सोचा चलो फिर जब सारे तारीफ कर रहे हैं वहाँ पे खड़े, ले भी इसी की टिकट से, मैंने कहा यार चलो फिर मैं भी इसी की। हालांकि मैंने इसका वो ट्रेलर नहीं देखा, वो अब हम देखेंगे, अब जैसी भी होगी अब तो देखनी पड़ेगी, टाइम तो स्पेंड करना ही था। घुसने नहीं देते, कहते जाओ पहले टिकट खरीदो फिर जाके जो है वो आपको एंटर होने देंगे। चलो खैर अब एंटर होते हैं। निशान भाई आपको पता है मैं एम्पोरियम कितने अरसे बाद बहुत, अगर मैं गलत नहीं तो कम से कम कुछ साल बाद आया हूँ, बहुत अरसे बाद। हाँ पैकेज जाना हो जाता है लेकिन एम्पोरियम नहीं जाना होता। अच्छा तो माशाल्लाह हमने ना अपनी तरह से ना लोडेड फ्राइज की, कहता है स्मॉल मीडियम लार्ज, मैं कहा तो लार्ज ही कर दे, और अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने लार्ज क्यों करवाई। आपको मैं साइज दिखाऊं लार्ज का साइज क्या है? और ये हम तीन लोगों ने खाया। शाम भी ये मैंने क्या किया है आज? ये अब तो हालांकि हम खाना शाना खा के आए हुए हैं, फुल हो गए हैं, हमने कहा ऐसी दिल की या लोडेड फ्राइज खाने का, लेकिन असमैन भाई है ना, फिर आप कुछ कह सकते हो? लेट्स ट्राई। इतना बड़ा जो हमने हच मारी है वो है कैसी, वो भी ट्राई कर। काम मजेदार है लेकिन अब इसे जल्दी जल्दी पकाओ। बहुत हैवी।
नस रही है, नस रही डर के नस रही। जी तो जीशान भाई फिर कैसी लगी आपको मूवी? यार मूवी नो डाउट बहुत अच्छी, बहुत अच्छी यार, नहीं बहुत, कर सकते बहुत आप, अच्छी थी यार, अच्छी थी क्योंकि उसमें उन्होंने ना काफी चीजें ऐसी की थी कि लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तानी मूवी है। कॉमेडी भी ज्यादा डाली हुई थी, और कॉमेडी भी थी, हॉरर मूवी भी कह सकते, साइंस फिक्शन काफी ज्यादा हैवी अच्छी डाल दी। वहां चेक करें बाकी। ये रात के कितने बज रहे हैं शान भाई? सवा तीन माशाल्लाह। और जरा वहां मेरा चेक करें किस तरह किस तरह मूवियां देखकर एननू को पढ़न बैठ जो मौत आ जाएगी, मौत सिरा की दर्द करेगी। बाबू भाई इधर नहीं कोई से आप छो इधर, मैं समझा बाबू भाई आप सुन देंगे यकीन कर। मतलब बाबू भाई आप भी जैसे मनासी और भी है बड़ा ही खाली मैं। तो निशान भाई आप इस मूवी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 7। मेरी तरफ से 6 है यार। थोड़ा सा मतलब पाकिस्तान की मूवी इतनी मतलब साइंस फिक्शन यार डालने की कोशिश की, पाकिस्तान की मूवी तो 15 और लगी हुई है, सिर्फ पाकिस्तान की वजह से 10,000 खर्चा नहीं यार देखी है कि पाकिस्तान की मूवी देखे तो सही की क्या चीज है ही कुछ नहीं यार। नहीं वो मतलब समझ आई है कि ये मॉडर्न जमाने पे बनी हुई है ना, देखिए इसमें कोई मैजिकल या कोई जादू पे कोई चीज थी नहीं, क्या समझ आया कोई कोई थीम था मूवी की? पोरी बहुत हैवी मारी हुई थी उन्होंने, बहुत हैवी किस्म की पोरी थी वो, उसी उसी के तो 6 नंबर दिए हैं वो चुस्सों का जो एंजॉय करवाया ना। अच्छा 6 ज्यादा दे दिए, चलो यार 4 कर लो, 4 कर लो भाई की तरफ से 4 मिनट से 6 निशान भाई की तरफ से 7 डन कर साढ़े तीन भाई और थले आई जा रहे हैं। The next day तो भाई साहब ईद के 2 दिन गुजार के आज ईद का 3रा दिन है, और आज शाम के टाइम दोपहर में तो बहुत ही तूफानी गर्मी थी जितना पिछले दिनों थी, लेकिन अभी के अभी जो मौसम है ना चेक दिस आउट, लिटरली सुकून मिल गया सुकून देखी से। हाय यार बाकी यार आज 3rd डे है दोबारा से आप लोगों को ईद मुबारक, और आज भी करने को कुछ नहीं था, मैंने सोचा क्यों ना इसको 2nd डे के साथ जोड़ दिया जाए। तो बाकी खैर मती भाई की फैमिली आ रही है हमारे पास, मती भाई से तो हमारी मुलाकात हो नहीं सकी थी, बस अंकल मौजूद थे तो बस सामान पकड़ाया और मूवी देखने के लिए चल पड़े। मती भाई आ रहे हैं, मती भाई से मिलते हैं, और मती भाई से मिलने के बाद उसके बाद फिर जो है व्लॉग को एंड करेंगे। तो तब तक मौसम इंजॉय कर रहा हूँ मैं यहाँ पे खड़े होके, ठंडी ठंडी हवाएं ले रहा हूँ, मती भाई आएंगे फिर अंदर जाएंगे। जी तो माशाल्लाह हमारे मती भाई आ गए थे, खाना शाना मती भाई ने खा ली। मती भाई कहते चलो यार घुमा पे आओ। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप सुनाओ। अभी नहीं, अभी टाइम है यार, आज का गुजर गई ना, नहीं अभी टाइम तक होता सर। अच्छा अभी 32 मिनट है, अभी नहीं 32 मिनट हो गए, कुछ टाइम मैंने इस्लामी लिहाज से, इस्लामी लिहाज से मगरिब तक। हां ये भी इस्लामी लिहाज से है, चलें कहीं चलें, और अंग्रेजी की तरह से आप तो चलते क्या कहेंगे इस्लामी के हिसाब से, मगरिब मगरिब को खत्म, और टाइम के हिसाब से क्या कहेंगे मगरिब? नहीं तुम इस्लामी हिसाब से देखो, चलो एक बात कर हूं गाइस, टाइम के हिसाब से 12 बजे, 12 बजे टाइम के हिसाब से 12 बजे है जी बाबू भाई जी। आ जाओ निशान भाई, आप यहां पे क्या कर रहे हो? मतलब मैं तो मिन मार्केट शाम मती भाई को मिन मार्केट पिलाने आया था, तुम यहां पे कहां पे चले गए? हम पिलाते हैं मती भाई को ईद मुबारक। ये तो तुमने मतलब सरप्राइज ही दे दिया, मतलब मुझे तो आइडिया नहीं था कि तुम यहां पे होगे यार। हवा बड़ी प्यारी चल रही है यार। तुमने मुझे बताया भी नहीं तुम यहाँ पहुँचे हुए यार, हवा बड़ी प्यारी चल रही है, हम
मतलब तुम मेरे पास आके अगर मैं यहाँ ना पहुँचे तुम तो निकल चुके थे। निकलते नहीं, आपसे मिले हुए नहीं, हम निकलते आपको पता है। बड़े तुम तेज हो वैसे। लगाओ फिर क्या कर रहे हो, मिंट कराओ फिर, मिंट करवाओ। लड़ पे ने जी। तो यूं ईद थर्ड डे हुआ खत्म, मती भाई से मुलाकात हो गई, शाम भाई से मुलाकात हो गई, सबसे हो गई। और इस बार मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पाया, फैमिली के साथ था। मेरे दोस्त भी ऐसे हैं कि वो भी नहीं आए माशाल्लाह से, उन्होंने भी तौफीक नहीं की कि हम यार आगे पीछे तो स्नैन पहुंच जाता है मिलने के लिए, इस बार हम चले जाएं। लेकिन नहीं, ये सुन लो तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया जो तुम मुझसे मिलने नहीं आए। याद रखूँगा इस बात को कि हर बार मैं मिलने आता हूँ, इस बार तुम नहीं आ सके। अगर मैं नहीं आया तो क्या हुआ, तुम नहीं आ सकते थे हैं। माफ किया मैंने उन लोगों को, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। खैर, हमारी भतीजी यहाँ पे बैठी हुई थी, कहती हैं जी चाचू जी आप मुझे नहीं व्लॉग में लेते, क्या मैं इसको व्लॉग में लेता हूँ कि नहीं लेता, आप लोगों ने बताना है, ले तू ना। तो यार इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं और व्लॉग को भी यहीं पे करते हैं ख़त्म, ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। जब आप लोग कहेंगे इतने लंबे लंबे व्लॉग क्यों बनाते हो, छोटे छोटे व्लॉग तक देखने में आसानी हो। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो जाएं और अभी करें सब्सक्राइब और व्लॉग को करें लाइक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, बाय, अल्लाह हाफिज।